जिला समाज कल्याण अधिकारी का स्टैनो 5000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसे बताया जा रहा है कि दुकान निर्माण की दूसरी किस्त पास कराए जाने को लेकर उसने रुपयों की डिमांड की थी, जिसके चलते उसने ग्रामीण से पैसों की मांग की। ग्रामीण इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम मुरादाबाद सिटी, जिसके चलते एंटी करप्शन टीम ने स्टैनो को पैसे लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। एंटी करप्शन टीम के साथ साथ थाना सिविल लाइंस पुलिस ने स्टैनो को अपने साथ ले जाकर पूछताछ कर रही है। उन्होंने से नगरी विकास में दुकान के लिए ये ब्याज रहित ऋण 80,000 रुपये स्वीकृत कराया था वर्ष 2014 और वर्ष 2014 में ही इसको पहली किस्त 58,500 रुपये की प्राप्त हो गई थी। उसको जितना काम करना था उस दुकान में उसने करा के और अग्रिम के लिए उसने अग्रिम किस्त के लिए जो 19,500 रुपये की थी उसके लिए उसने अनुरोध किया संबंधित कार्यालय में और कुछ अनुरोध पर जो है वो कोई कार्रवाई हुई। ये 21/3/2015 से लगातार आता है और जब इसकी ये किस्त नहीं मिली तो श्री नैन कुमार श्रीवास्तव जो आशुलिपिक हैं और उनके पास सहायक प्रबंधक का चार्ज भी है, उन्होंने अगली किस्त रिलीज करने के लिए 5,000 रुपये रिश्वत मांगी। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद में जाकर अपनी दरखास्त की, जिसका मैंने सत्यापन कराया और उस सत्यापन के पश्चात पाया गया कि श्री एक भ्रष्ट लोक संरक्षित है, तो उस आधार पर मेरे द्वारा 5,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उसके कार्यालय में गिरफ्तार किया। अब ज़्यादा क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें ब्लॉक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई